भाई तन्ना हो, दीप तन्ना हो, साथ ही साथ विकी भाई शाह, साथ ही साथ कपिल भाई जोबन, साथ ही साथ आदि हो, इन तमाम लोगों ने जो मेहनत उतारी, जिसकी वजह से और भी नाम है इनका मैं ज़रूर उल्लेख करूंगा आपके सामने, दीपेन परेख, साथ ही साथ आदि मताकिया, ऋषि, आदेश, धवल, इन बच्चों ने, इन लोगों ने, इनमें दो तीन यंगस्टर है, आकाश, आकाश देव का जो यंगस्टर है, और तजुर्बा भी रखने वाले कुछ ऐसे पर्सनैलिटी लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में, मैच जीत जाते हैं तो फिर एक बार पॉइंट्स टेबल में ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि पहले सीजन में आप गुजरात के ओनर थे और आप ही के छोटे भाई आशीष तन्ना जो जिस तरीके से आज इस सीजन में ओनरशिप क्या एफर्ट था, विकेट देखिए आधी रात में सनराइजर्स काठियावाड़ी की टीम की तरफ से, बैट्समैन को वापस लौटना पड़ेगा, एलिवेशन नहीं मिल पाया इस स्ट्रोक पर, नाखुश, कहां शॉट खेलना चाहते थे, रात हो चुकी है, शबनम गिर रही है, बैट्समैन का और गेंद का तालमेल नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से
की जरूरत। ये देखिए स्ट्रेट बिल्कुल खेला था स्ट्रोक, और ये बेरन फिर एक बार जोड़ लीजिए, दोनों ने ऐसी दौड़ लगाई जिस तरीके से सलमान खान बजरंगी भाईजान में छोटी बच्ची को लेकर दौड़ पड़ता है, उसी तरीके से राहुल को लेकर दौड़ लगाई, और ये दो रन फिर एक बार जोड़ लीजिए। 54 19 गेंदे जीतने के लिए 33 रनों की दरबार, और इस बीच अच्छी कैच बैट्समैन का और एक विकेट। एक्शन रिप्ले में आप देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में, ओहो हो, ये देखिए राहुल को चलता किया, और रुशिद ने बैट्समैन चिराग को वापस भेज दिया। सुल्तान के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल गेंद गई है बालकनी में 6 रन के लिए, गुजारा एसपीएल सिक्सर। अब गेंदे बची हुई 6 और जीतने के लिए मिड विकेट, और ये देखिए दादा के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक, दादा की पारी समाप्त। और ये सुल्तान के बल्लेबाजी से निकलता हुआ सुल्तानी, जिस तरीके से माफ करना, सुल्तान नहीं है नए बल्लेबाज रवि है, नॉन स्ट्राइक पर सुल्तान है, बिल्कुल सुल्तान ने इसी तरीके से आते ही सिक्सर लगाया था, और अब बैट्समैन का रवि का स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से 600 पर जा पहुंचा है। और ये देखिए गेंद ऊंची उड़ान पकड़ रही है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और मोहित ने पकड़ लिया कैच, बैट्समैन का विकेट यहां पर जाता हुआ। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए जिस तरीके से 11 रन की जरूरत थी कैच मिलने के बाद, अब गेंदे बची हुई 2 जीतने के लिए 11 रन की ही जरूरत है, यही मैं कहने वाला था। और ये देखिए आशीष पुजारा ने हवा में उठाकर खेला, लेकिन फिर एक बार विकेट जाएगा, और इसी के साथ एक तरफ आप देख रहे हो डीएमएल पुणे राइजिंग स्टार, और दूसरी तरफ सनराइजर्स काठियावाड़। और क्या बात है, केकेआर खुश नजर आ रहे हैं, केके जिस तरीके से केकेआर नहीं बल्कि केके बहुत खुश, और यहां पर इस मुकाबले को जीत लिया डीएमएल पुणे राइजिंग स्टार की टीम ने। आज के 8वें रात के आखिरी मैच के पारी समाप्त, कल फिर मिलेंगे इसी ग्राउंड पर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।